आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण में सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। तैयारियों की कसौटी पर कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हर पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। पीएम यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों को होकर गुजरेगा। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इसकी तैयारियां भी पूरी हो गई है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम, और जिसके लिए लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है और लाखों लोगों के यहाँ मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। तो एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। तो बड़ी सौगात देने वाले हैं आज। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से सौगातें दी जा रही हैं जनता को, और तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। हर पार्टी कोई ना कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी शाहजहांपुर को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे पीएम। यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने की बड़ी सौगात देंगे जनता को। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। तो विकास की बात कर रही है सरकार, और विकास की सौगातें देती हुई भी नजर आ रही है। और अब जिस तरह से ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, 12 जिलों को जोड़ेगा, और इसकी सौगात जब आज पीएम मोदी देंगे तो जनता को संबोधित भी करेंगे, अपने कामों को भी गिना सकते हैं। जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, बीजेपी ने अपने 4.5 साल पूरे करे हैं, और उसके बारे में पूरा ब्यौरा दे सकते हैं पीएम मोदी। सीएम योगी की तारीफ भी कर सकते हैं, और जिस तरह से सौगातें दी जा रही है उसको लेकर कई बातें कहेंगे। बता दें 12 जिले जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इससे जनता को सौगात मिलेगी, समय की बचत होगी और काफी सुविधाजनक भी रहेगा ये एक्सप्रेसवे, जिसकी आज शुरुआत करने वाले हैं पीएम मोदी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। आर्येंद्र, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है पीएम के आगमन से पहले? है और यहाँ पे शिलान्यास करेंगे जो गंगा एक्सप्रेस भी है, तो इसमें 11 बजे लगभग इनका है जो है हेलीपैड यहाँ पे तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो है हेलीपैड पे 11 बजे लगभग जो है रेलवे रौजा ग्राउंड में यहाँ पर आएंगे, और साथ ही आपको ये भी बता दें यहाँ पे जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बड़ी शाहजहांपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी जो है। जी आर्येंद्र, ये बताया जा रहा है कि मेरठ से प्रयागराज तक कम से कम 12 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, और क्या कुछ सौगात मिल सकती है, कितना सुविधाजनक रहेगा ये एक्सप्रेसवे? नहीं बल्कि प्रदेश के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि जो सफर लगभग यहाँ से प्रयागराज और आगरा के लिए लगभग 1.5 घंटे में अगर सफर तय करना होता था, वो लगभग आधे घंटे में सफर तय कर सकेंगे यहाँ से जो भी है। और उसकी स्पीड भी समय सीमा से निर्धारित की जाती है कि अगर उस स्पीड से अगर कम कोई नहीं चलेगा, जो स्पीड अगर कम की जाती है तो उसका चालान भी किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जब शाहजहांपुर के लिए एक यहाँ पर हेलीपैड की भी जो है यहाँ पर जो हवाई पट्टी की सौगात देने वाले हैं शाहजहांपुर जनपद के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर सुविधा ये एक्सप्रेस वे के साथ साथ यहाँ पर जो है हवाई पट्टी का भी जो शिलान्यास है वो करेंगे यहाँ पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी। जी आर्येंद्र, क्या कुछ और सुविधाएं रहेंगी इस एक्सप्रेस वे के साथ? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कुछ सुविधा रहेगी, और साथ ही पुलिस के लिए पुलिस की सुविधा चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ रहेंगी सुविधाएं? देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए सुविधा की, तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की और जो स्वास्थ्य विभाग की है, तो वो यहाँ पर जो है लगातार इसका निरीक्षण किया जा रहा है, और यहाँ पर जगह जगह जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम लगाई गई है उसके द्वारा जहाँ पे जगह सही निर्धारित की जाएगी वहाँ पर स्वास्थ्य बनाया जाएगा, जो अस्पताल बनाया जाएगा, और जगह जगह चौकियां भी निर्धारित की जाएंगी, जिससे कि एक्सीडेंट होने की जब एक्सीडेंट अगर हो तो वहाँ पर मौके पर पहुंचकर उसको सही तरीके से उपचार मिल सके और सुविधा का उसे लाभ मिल सके, इसलिए यहाँ पर जगह जगह चौकियां और अस्पतालों की भी जो है व्यवस्था की जा रही है। जी कुल कितने पेट्रोल पंप की व्यवस्था की जा रही है इस एक्सप्रेसवे पे?
लगभग बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 14 पेट्रोल पंप की तैयारी चल रही है और ये शाहजहांपुर जनपद बदायूं और पीलीभीत से होकर गुजरने वाला है। ये पहला यहाँ से जो है गंगा एक्सप्रेस वे मार्ग है जहाँ पर शाहजहांपुर जनपद में ही इस तरीके से जो जिस तरीके से सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये सबसे बड़ी है और यहाँ के जनता के लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि जो आज तक जो है महंगाई का दौर गुजर रहा था और सबसे बड़ी था बेरोजगारी, तो यहाँ पर बेरोजगारी को भी कम समय दिया जाएगा। यहाँ पर बेरोजगार जब यहाँ पर जिस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी तो उसमें बेरोजगारी भी खत्म होगी। जी आर्येंद्र, जब आज पीएम मोदी पहुंचेंगे शाहजहांपुर तो क्या कुछ देखने को मिलेगा मंजर, कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं जनसभा में? जी कितने लोग मौजूद हो सकते हैं आज जनसभा के दौरान? लगभग यहाँ पर 1,00,000 से ज्यादा लोग रहे एकत्रित हो सकते हैं, क्योंकि यह है ना अभी जो लगभग 2,00,000 लोगों की आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 1,00,000 लोगों की कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर 1,00,000 लोगों की कुर्सियों की व्यवस्था होने के बावजूद 1,00,000 से लोग ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जो है जिस तरीके से भीड़ है लगातार बढ़ रही है, कोरोना का तीसरी लहर भी चल रही है, तो जिसको यहाँ पर कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जबकि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार काफी निर्देश दिए हुए हैं और यहाँ पर ऐसा कोई अभी यहाँ पर जो है प्रबंध नहीं किया गया है कि तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना का जो खतरा है वो भी टला नहीं है, लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है लगातार जो लोगों का भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर जनसभा के दौरान जो अंदर जा रहे हैं लोग पंडाल में काफी लोग इकट्ठे देखने को मिल रहे हैं। जी आर्येंद्र, क्या कुछ सौगातें अभी तक दे चुके हैं पीएम मोदी या फिर सीएम योगी शाहजहांपुर को, जिसका बखान आज अपनी जनसभा और संबोधन के दौरान कर सकते हैं पीएम मोदी? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है शाहजहांपुर जनपद के लिए महानगर का दर्जा ये जो लगभग भाजपा सरकार में दिया गया है, शाहजहांपुर के लिए महानगर बनाया गया, जब से तब से काफी यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है और यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए तो शाहजहांपुर महानगर में ये लगभग दूसरा नंबर दिया गया है भारत के अंदर की शाहजहांपुर जनपद में सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई को लेकर, क्योंकि यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है वो यहाँ के शाहजहांपुर के ही मूल निवासी है और उनके द्वारा जो जिस तरीके से यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई है अगर देखी जाए चाहे स्वास्थ्य की हो या फिर यहाँ पर देखा जाए हाईवे की हो या किसी भी तरीके की अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही है लगातार और साफ सफाई में सबसे टॉप से इस समय जो है शाहजहांपुर महानगर अभियान लगातार चला रहा है, बढ़िया चल रहा है और इस समय जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का रहा है। जी विकास कैसा देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर में, क्या रोडें चमक रही हैं? जी अभी जो देखा जा रहा है कि साफ सफाई की व्यवस्था इस तरीके से देखी जा रही है तो रोड अभी जो है पुराने रोड है उनको मरम्मतीकरण के लिए दिए गए हैं, कुछ रोड अभी बाकी है उनका मरम्मतीकरण कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि योगी जो है यहाँ पर आने को जैसे योगी आए थे उस दिन भी कई ग्रामीणों के लिए सड़कों के लिए सौगात दी गई थी और काफी रोडों में बदलाव देखा गया है। जी आर्यन, मतलब जब कोई बड़ा मंत्री नेता आता है तभी सड़कें बनाई जाती है वरना वो गड्ढा युक्त पड़ी रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर जैसे देखा जाता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी या नेता आने होता है तभी यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था की जाती है, वैसे साफ सफाई व्यवस्था में जो कल से जो लगातार 15 दिन से जो तैयारियां चल रही है अगर ये तैयारियां हमेशा से चलती आती तो शायद यहाँ पर काफी बड़ा बदलाव हो सकता था, लेकिन ये तैयारियां समय समय पर ही की जाती है क्योंकि इसमें जो प्रदेश सरकार के मंत्री आते हैं तभी ये सबसे बड़ी सौगातें दी जाती हैं और इसमें तैयारियों का जोर शोर दिया जाता है, बाकी दिनों में यही नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है कि शाहजहांपुर महानगर है या शाहजहांपुर ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़े थे शाहजहांपुर से। तो एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं आज, शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, जनता को संबोधित भी करेंगे और जनता को संबोधित करने के साथ ही जो कुछ भी अभी तक सुविधाएं दी गई हैं, सौगातें दी गई शाहजहांपुर को, उसके बारे में बताएंगे भी और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।